जा रहा है त्योहारी सीजन में शहर को वाहनों के जाम से निजात दिलाने के लिए अब यातायात पुलिस ने निगम और जेडीए के साथ मिलकर इन सिकुड़ी हुई सड़कों को सुगम पथ बनाने का काम तेज कर दिया है। शहर की सड़कों पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण से सड़कें भी सिकुड़ रही हैं और ऐसे में सुगम पथ प्रोजेक्ट के जरिए ट्रैफिक पुलिस ने निगम और जेडीए के सहयोग से सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू किया है। पथ का जो मेन इनिशिएटिव है, सुगम पथ का मेन इनिशिएटिव में है कि ट्रैफिक पुलिस अगर जेडीए का क्षेत्र है तो जेडीए नगर निगम या हेरिटेज का भी क्षेत्र है, वो क्षेत्र की टीमें कंबाइन होकर रोड को सुव्यवस्थित करें। कोई भी अगर अस्थाई अतिक्रमण है या फिर जो भी जिन पे मतलब माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो निर्देशानुसार जहाँ जहाँ पे कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, जहाँ जहाँ पे कार्यवाही नहीं की जा सकती है, उन चीज़ों को ध्यान में लेके पूरी संयुक्त रूप से टीमें बनाकर आज अभी लेटेस्ट जो हमारा अभियान चल रहा है वो 4 बजे से 8 बजे तक का चल रहा है। कल भी हमने यहाँ पे सांगानेरी गेट से लेके ट्रांसपोर्ट नगर से लेके ईदगाह तक के क्षेत्र में ट्रैफिक संचालन हेतु मेनली जो एम्बिशन है वो है, एम है, वो ट्रैफिक प्रॉपर संचालन और सुचारू रहे, क्योंकि ये जो मार्ग है आपके सांगानेरी गेट से लेके ट्रांसपोर्ट नगर ये भी थोड़ा संकीर्ण रहा है, पतला रोड रहा है, तो इस पर गाड़ियाँ ना खड़ी हों, कोई अलग प्रकार का व्यवधान ना हो, तो इसके लिए सुगम पथ का अभियान चलाया जा रहा है।